ये देखो दोस्तों, हम लोग फाइनली सोमनाथ पहुंच चुके हैं। ये द्वापर युग की मंदिर है, यहाँ भगवान श्री राम जी आए हुए थे। तो गाइस फिर से आज घाटी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखो इधर, लो जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज यात्रा का हम लोगों का 8वां दिन होने वाला है और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। और आज रात हम लोग सीतामढ़ी में रुके हुए थे। ये देखो सीतामढ़ी का मंदिर है, ये देख सकते हैं सीतामढ़ी मंदिर। आपको बाद में दिखाऊंगा, इसका स्टोरी भी बताऊंगा। नहा के आ जाते हैं पहले। चलो इधर रास्ता है, देख सकते हैं इधर, ये रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। इधर ना एक झरना टाइप है, नहाने के लिए बोल रहे थे तो इधर जा रहे हैं, नहाने के लिए झरना है बोल रहे थे। इधर ना एक नदी है बोल रहे थे, सोन नदी बोलते हैं जिसको, और हम लोग सोन नदी में नहाने के लिए आ रहे हैं, देख सकते हैं इधर। चलो दिखाता हूँ आपको। और लग तो रहा है पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा, देखते हैं अब कैसा है इधर का नदी। चलो और ये चेक करो गाइस, काफ़ी प्यारा व्यू है इधर, देखो। कभी कभी बहुत तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है यार, बहुत ही ज़्यादा एकदम बड़ी बड़ी घाटी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पूरा पसीना से एक दिन तो लथपथ हो गए थे जब हम लोग अमरकंटक का चढ़ाई किए थे, बहुत बड़ा पहाड़ को पसीना से भीग गए थे। और एकदम से धीरे 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 जा रहा था मैं, बहुत ही धीरे धीरे, और बस जस्ट पहुंचने वाले हैं ये सोन नदी। चलो दिखाता हूँ आपको, ये रहा सोन नदी, इस चढ़ाई से उतरना है अभी हम लोगों को। बापरे, फिसल विसल के गिर गए तो देख सकते हैं, ये देखो कैसे चढ़ाई है, नहाना है। बापरे, देख के चलो भाई, देख के गिर गिर गए तो हो गया स्वाहा, है ना भाई लोग। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। कैसे भाई लोग, जय श्री राम। आ गए बस, बस पहुंचने वाले हैं, ये देखो थोड़ी सी बस दूर है और इधर। रेत ही रेत है यार, इधर से जाते हैं नहाने के लिए। चलो ये देखो सोन नदी आ गया हम लोगों का। ये देखो दोस्तों, हम लोग फाइनली सोन नदी पहुंच चुके हैं। देखो काफी प्यारा व्यू है यहाँ का, नदी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और अभी इसमें नहाने वाले हैं हम लोग, और इसमें नहाने वाला हूँ मैं अभी। चलो खाई खाई टाइप से है यार इधर रास्ता। बापरे बापरे बापरे, फिसल गया यार, गिर गया था अभी। तो गाइस अभी यहाँ पे बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, भैया जी लोग गिलास में दिए हुए हैं और उधर भैया लोग चाय वाय भी पिला रहे हैं। वो भैया देखो एक वर्कआउट कर रहे हैं अभी। चलो चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ, सीतामढ़ी मंदिर का। चलो तो गाइस, चलो अब हम लोग रेडी हो गए हैं और चलो आपको ना सीतामढ़ी का मंदिर दिखाता हूँ। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर समूह सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी है मंदिर है, देखो देखो। और ये सीतामढ़ी का मंदिर देख सकते हैं। चलो दोस्तों आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं, और दर्शन भी कर लेते हैं और प्रणाम भी कर लेते हैं। चलो जय शिव शंभु, ये रहा भोले जी का दर्शन कर लीजिए। जय शिव शंभु, और इधर भी एक है, देखिए ये देख सकते हैं प्राचीन मंदिर है यार। जय शिव शंभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये मंदिर है, ये प्राचीन काल का मंदिर है, देख सकते हैं कितनी बड़ी मंदिर है। ये द्वापर युग की मंदिर है, यहाँ भगवान श्री राम जी आए हुए थे, और जब भगवान श्री राम जी वनवास के टाइम में गए आए थे तब यहाँ रुके हुए थे, देख सकते हैं। तो यहाँ महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है, श्री रामचंद्र जी आए थे, और पांचों पांडव लोग भी वनवास में थे तब यहाँ आए हुए थे, देख सकते हैं। यहाँ भी इधर एक शिव मंदिर है, ये द्वापर युग का मंदिर है यार, देख सकते हो काफी प्यारा मंदिर है, देखिए।
बहुत अच्छा लगा जहाँ पे राम जी, स्पेशली तो मेरे लिए जहाँ पे राम जी आए थे वहाँ मैं आया और दर्शन हो पाया। थैंक यू राम जी, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा आप जिस जगह पे गए हो उस जगह पे मुझे पहुँचाइएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और चलो बजरंग बली जी का भी दर्शन ले लेते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी आए हुए थे, आपको वहाँ का दर्शन कराया, देख रहे हो कितना प्यारा इधर का व्यू है। श्री रामचंद्र जी का स्थल है ये, तो यहाँ भी आए हुए थे वनवास के टाइम, तो आपको मैं दर्शन कराया, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आए। राम जी की कृपा ऐसे ही बने रहे, जिस जिस जगह राम जी गए उस जगह में जाने का पूरा प्रयास करूंगा, अपना लाइफ टाइम में पूरा प्रयास करूंगा। अपना मोबाइल चार्जर और पावर बैंक को पकड़ लेते हैं, ये रहा, मैं यहाँ चार्ज कर रखा था। और आज रात हम लोग यहाँ पे कैंप लगाए हुए थे, और इधर देखो कल रात हम लोग इधर खाना बनाए थे, ये बाबा लोग हैं, हम लोगों को दाल चावल जो भी दिए हुए थे। तो चलो अपना पावर बैंक यहाँ से उठाते हैं। तो गाइस मेरा चश्मा वहाँ सीतामढ़ी मंदिर में भूल गए थे, और ये भैया जी ला दिए, थैंक यू बाबा। सीताराम, ये चश्मा मैं भूल गया था तो कॉल किया, नंबर रखा हुआ था मैं इनका, मतलब भैया जी रखा हुए थे नंबर, तो कॉल किया, फिर ये चश्मा को ला दिए, अच्छा लगा भैया जी से मिल के। ये देखो ये भैया जी हैं, अच्छा लगा। बाबा जय श्री राम। तो गाइस फिर से आज घाटी का सामना करना पड़ रहा है, ये देखो इधर जंगल और इधर से हम लोग आए हुए हैं, घाटियों का सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हैं। और बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, तो पानी वानी पियेंगे यार। और बैग में कुछ सारा कुछ खत्म हो गया है, सुबह बस थोड़ा अंगूर बचा हुआ था उसको खाए, और रास्ते में अभी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग 10 किलोमीटर आ गए ना सुबह से, बस अंगूर थोड़ा सा था उसको बांट के भैया और मैं खाए, और भैया वहाँ कॉल में बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही जोर से भूख लगी हुई है, भयंकर वाला जिसको बोलते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहा है। सुबह के अभी 11 बजने वाले और अभी 11 बजने वाले हैं, भूख लगी हुई है सुबह से, चाय और थोड़ा सा अंगूर गया था, बस इतना इतना सा गया था, और भूख लगी हुई है, पानी प्यास लग रहा है बहुत जोर से, पानी पी पी के काम चला रहे हैं अभी। और 10 किलोमीटर तक कुछ दुकान नहीं है, पता नहीं कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। ये देखो इधर पूरा जंगल ही जंगल है आसपास, देख सकते हैं। और अभी यहाँ छांव पे थोड़ी देर रुके हुए थे, ये देख सकते हैं, साइकिल खड़ा कर रहा हूँ, और पानी वानी पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। भूख लग रहा है यार, पता नहीं कैसे होगा आज का दिन जो। हाँ चलो अब पानी वानी पी के निकलते हैं। तो वैसे देखो गांव में ये छोटा सा दुकान मिला हम लोग को, और अभी हम लोग यहाँ पे चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह खरीद लिया हूँ, और थोड़ी देर उधर छांव में खाएंगे कहीं पे। चलो अब देखते हैं, छांव देख के रुकेंगे और वहाँ खाएंगे, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और ये मिक्सचर अभी खरीद के खा रहे हैं यार, इधर पास में दुकान वकान मिला, बहुत टाइम से कुछ नहीं मिला था, एकदम बहुत तेज भूख लगी हुई थी, अभी मिक्सचर खा रहे हैं। और बिस्किट बैग लिया हुआ था, तो भाई वो भैया देखो उधर बिस्किट खा रहे हैं बैठे हैं, और मैं इधर खा रहा। दोस्तों अभी 3 बज गए हैं, और कल से हम लोग चावल खाए नहीं हैं, भानपुर में भोजनालय नहीं मिल रहा है, यहाँ ढाबा एक ही ढाबा था जो बंद है, आगे वाला ढाबा बंद हो गया है, और कल से हम लोग चावल नहीं खाए हैं, तो कुछ खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। समोसा बड़ा देखो इधर ठेले पे रुके हैं, समोसा बड़ा कितना खाओगे यार, बिस्किट वगैरह भी कितना खाओगे, मज़ा नहीं आ रहा है चावल के बिना। देखते हैं अब आगे क्या होता है, आज रात भी ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा जैसे लग रहा है। और मैं लस्सी पी रहा हूँ देखो, पर दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, आज साइकिल चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, 50 किलोमीटर की यात्रा हो गया सुबह से, और जाने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी मैं कनपता पहुंच चुका हूं, और यहां पे चाय वाय पिलाए, एक दीदी ने हमको चाय पिलाया, और देखो ये बच्चे लोग मेरे साथ चल रहे हैं, बोलो जय श्री राम, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब आगे थोड़ी देर चलते हैं, बढ़ते हैं साथ में, देखो ये लोग रेस लगा रहे हैं, ये देखो। चलो अब धीरे धीरे करके आगे चलते हैं, आज रात का स्टे आगे में हनुमान मंदिर है वहाँ होने वाला है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, काफ़ी नाइट हो जाएगा, 7 किलोमीटर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट देखते हैं नाइट हो ही जाएगा, साइकिल जल्दी चलाने से जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो अब चलते हैं। तो गाइस बहुत टाइम बाद हम लोग को रहने के लिए जगह मिला, और फाइनली हम लोग को मिल चुका है, और राम जी हमें बुलाते हैं यार। देखो आज राम जी के देखो आज राम जी के मंदिर में ही आए हुए हैं, हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर है ये, राम जी अपने मंदिर में ही बुलाते हैं यार, पता नहीं कहीं ढूंढ के ना मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। देखो हम लोग रात के आज यहाँ रुकने वाले हैं, ये देखो इधर कैंप लगाए हुए हैं, ये कैंप गाड़े हुए हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आज रात हम लोग यहीं रुकने वाले हैं, और देख सकते हैं इधर देखो, और ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, देखिए देख सकते हैं, तो हम लोग पहाड़ के ऊपर रुके हुए हैं, और ये देखो हम लोग का साइकिल यहाँ खड़ा कर रखे हैं कुछ इस प्रकार से।
मैं तो इधर टहल रहा हूँ, ताजी ताजी हवा का मजा ले रहा हूँ। ये देखो इधर बहुत बड़ी सीढ़ियाँ है, इधर से ही चढ़ के आए हुए हैं हम लोग, देख सकते हैं इधर, और उधर पूरा शहर देख सकते हैं, वहाँ शहर है। यहाँ पे भैया लोग आए हुए थे, मतलब भैया लोग मिले, खुद इनवाइट किए यहाँ पे रह सकते हो बोल के, और भैया लोग बोले हैं हम लोग खाना वाना पहुँचा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा हम लोग खाना ला देंगे बोले हैं। तो गाइस फाइनली खाना वाना हो गया, भैया जी लोग खाना वगैरह ला दिए थे, रोटी ला दिए थे और साथ में मिठाई वगैरह भी ला दिए थे, तो बहुत अच्छा लगा। रोटी वगैरह खा लिया, फिर अब सोने वाला हूँ यार, काफ़ी नाइट हो चुकी है, बहुत ही देर हो गई ना, और आँख में भी चुगन हो रहा है, बहुत भयंकर वाला नींद आ रहा है यार, आज बहुत यात्रा किए हैं यार सच में, और पैरों में भी हल्के हल्के दर्द है, तो चलो यार सोते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।